मोटका के पुल पर नर्मदा के खतरे के निशान के ऊपर पहुंचने पर पिछले 25 दिनों से यातायात बंद कर दिया गया था, जिसे अब फिर से सुचारू कर दिया गया है। पुल से यातायात प्रारंभ होने से वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। रेड नाइन न्यूज ने पुल में दरार को लेकर प्रमुखता से दिखाई थी ये खबर। उसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और ताबड़तोड़ NHAI द्वारा SGITS इंदौर के इंजीनियरों की टीम से जांच करवाकर पुल की रिपेयरिंग करने के बाद पिछले 3 दिनों से पुल पर भारी वाहनों को चलाकर लोड टेस्ट करने के बाद आज फिर से यातायात प्रारंभ कर दिया गया है। ओंकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट। ये भी फेरीघाट पुल जो है पिछले महीने की 26 तारीख से बंद है और बीच में जो है अभी 5-7 दिन से जो है इस ब्रिज का जो है इंदौर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर के द्वारा जो NHAI की टीम द्वारा जो है लोड टेस्ट वगैरह भी किया गया है और आज जो है HM साहब परवा ने जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर से NHAI के बात किया है, जिन्होंने मुख्य अध्यक्ष से भी स्कूल को लाइट व्हीकल के लिए चालू किया है और शाम तक जो है रिपोर्ट अगर आती है तो व्हीकल भी चालू करने का बताया है। उसके बाद फिर वरिष्ठ अधिकारियों को जो है अवगत कराया गया, जिन्होंने बताया कि आवागमन।